और लहसुन का और मिर्चा का वो ग्रेवी पेस्ट, इसको पहले भूज तो पहले इसको पकने देते हैं, पकने के बाद दिखाते हैं। तो गाइस देखिए तो पकने के बाद प्यूरी ने तेल छोड़ दिया, ये देखिए हमें ऐसे ही कलर चाहिए, ये देखिए। अभी इसमें मसाले ऐड करेंगे, एक चुटकी हल्दी, एक मिर्चा एक चुटकी, गरम मसाला, धनिया, थोड़ा सा मिर्चा कम लगा तो थोड़ा बढ़ा दो, तो गरम मसाला भी बढ़ा दो, इसे मिक्स करिए और करिए और करिए। ये रेसिपी मालूम है किस चीज़ की है। चलिए अब इतनी देर रुक चुकी है तो गाइस थोड़ी देर और सही फिर दिखाते हैं आपको। एक चम्मच नमक डाल दीजिए अपने हिसाब से, लाइए थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं इसमें। तो जो आलू हम लोगों ने फ्राई की थी वो देखिए, हम लोग दम आलू बना रहे हैं, तो आलू मिक्स कर दिए, करते जाओ कर। उसके बाद मिक्स करिए, उसके बाद अपने हिसाब से पानी डालिए, गाढ़ा चाहिए अगर सब। उसके बाद मिक्स करिए, और इसका पानी थोड़े से पकने दें, इसका पानी पकने दें, उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस हमारी दम आलू एकदम अच्छे से पक चुकी है, आपको महक तो आ ही रही होगी, एकदम टेस्टी टेस्टी देखने में लग रही है। देखते हैं खा के कैसी है बनी है, लेकिन इसको अभी 5 मिनट और पकने देते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है वो थोड़ा और पक जाए, क्या गाढ़ी रहेगी थोड़ी सी और वह हो जाएगा पानी तो और अच्छी लगेगी। तो 5 मिनट और पकने देते हैं, मिलते हैं 5 मिनट के बाद, फिर देखते हैं कैसी है। देखिए गाइस अब हमारी दम आलू पक चुकी है एकदम तैयार, अब इसको हम लोग सर्व करते हैं। तो ये देखिए गाइस कितना यम्मी बना है। अब हमारी दम आलू की सब्जी तैयार है, अब इसको आप पूरी के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, बनाइए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी। चैनल अगर पसंद आई हो रेसिपी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। बाय बाय दोस्तों।